जय हिंद डियर स्टूडेंट्स. द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का सेकेंड वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज, जिसमें थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में वर्णन किया गया था. तो देखते हैं थोड़ा सा. स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट वीडियो को कहाँ पे समाप्त किया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि एडिसन बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही शौकीन था और बताया था आपको कि बचपना होते हुए ही वो उसने कई प्रयोग किए और कुछ उसके प्रयोग जो हैं बहुत ही सिली थे, बेवकूफ़ी भरे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा. ठीक है, तो इससे पहले दो प्रयोग बताए थे आपको. पहला बताया था कि एडिसन ने चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा था, तो फिर वो कीड़े पकड़ लाया. उसने अपने नौकर लड़की को कीड़े का एक मिक्सचर बना के पिलाया, वो बीमार पड़ गई, उड़ नहीं पाई. उसकी माँ ने उसे डांटा एडिसन की. फिर दोबारा उसने ऐसा ही प्रयोग किया जिसमें वो मुर्गी के एक दर्जन अंडे लाया था, उससे बैठ गया और सोचा कि अंडे से चूजे निकलेंगे, लेकिन नहीं निकले और उसकी माँ ने उसकी बहुत ही पिटाई भी लगाई थी. ठीक है, तो ये बताया था कितना मजाकिया बचपन में रहा था वो. अब चूंकि वो हम लोगों को लगता है उसके प्रयोग चूंकि बचपना था तो मजाकिया लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो नए नए तरीके अपनाता था और अपने प्रयोगों में फेल होने से वो ये समझ गया कि उसके जो ट्रिक्स हैं, जो उसके आइडियाज हैं, वो शायद वो गलत थे. वो सोच रहा था वो गलत बात थी, सही नहीं थी, उसे कुछ नया सोचना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट एडिसन ने पाया कि ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी मोर मनी, अधिक पैसे की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट. कैरी ऑन मीन्स जारी रखना अपने प्रयोगों को. ठीक है, एडिसन को कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगा कि उसे अपने प्रयोग जारी रखने के लिए कुछ और ज्यादा पैसों की आवश्यकता है. ठीक है, ही वांटेड मोर बुक्स, वो चाहता था और ज्यादा किताबें, एज क्योंकि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, उसने वो सारी किताबें पढ़ ली थी. He had at home, जो उसके घर पर थी. ठीक है, He wanted to go out, वो बाहर जाना चाहता था, and see new places and new people, और वह नए नए स्थानों पर जाना चाहता था और नए नए लोगों से मिलना चाहता था. ओके, He wanted to read new books, वो चाहता था कि वह नई नई किताबें पढ़े, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और वह अपना इम्प्रूव मीन्स होता है सुधारना, अपना ज्ञान भी, वो नॉलेज मीन्स ज्ञान, अपना ज्ञान भी सुधारना चाहता था. ओके, सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने यह निर्णय लिया, निश्चय किया, टू टेक अप अ जॉब, कि वह एक नौकरी कर लेगा इन द रेलवे, रेलवे में. ठीक है, एट फर्स्ट, पहले हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने डिड नॉट लाइक दिस आइडिया. जब उसने अपने माता पिता को बताया कि मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूँ, तो उसके माता पिता को पहले तो उसका आइडिया रेलवे में नौकरी करने का पसंद नहीं आया, एज क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, वह उस समय केवल 12 वर्ष का था. ठीक है, यानी छोटा बच्चा था, 12 वर्ष का था. 12 वर्ष का बच्चा नौकरी करे तो ये लीगली भी ठीक नहीं है, यानी कि उसको चाइल्ड लेबर में जो है माना जाता है. तो उनके माता पिता भी नहीं चाहते कि बच्चा इतना छोटा है अभी से वो नौकरी करने लगे. बट दे एग्रीड, लेकिन वे लोग सहमत हो गए, व्हेन मींस जब, ही गेव देम गुड रीजंस, जब एडिसन ने अपने माता पिता को बहुत ही अच्छे रीजंस मींस कारण बताए
फॉर ही डिसीजन, अपने निर्णय के कि मैंने नौकरी रेलवे में करने का जो निर्णय लिया है उसका कारण क्या है। जब एडिसन ने अपने माता पिता को बताया तो उसके माता पिता तैयार हो गए। सो इसलिए इस प्रकार एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन बन गया एक अखबार बेचने वाला लड़का, एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और उसने यात्रा की, मतलब वो ट्रेन से आया जाया करता था अखबार बेचने के लिए, अप डाउन में सही आना जाना, द ट्रेन ट्रेन से टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट एक अमेरिका में स्थान है डेट्रॉइट, तो डेट्रॉइट तक वो जाया करता था अपने न्यूज़पेपर्स को बेचने के लिए। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने क्या किया, पहले ही दिन अर्न मीन्स कमा लिए $2, $2। एडिसन ने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, और इतना बेच करके उसने क्या किया कि पहले दिन ही उसको $2 की कमाई हो गई। ठीक है, He said to his mother, उसने अपनी माँ से कहा, at supper, भोजन रात्र के भोजन के समय, जब वो रात का खाना खा रहा था शाम का, तो that night उस रात, यानी उस रात जब वो खाना खा रहा था, तो उसने अपनी माँ से कहा, take this dollar, mother, की माँ, $1 आप मुझसे ले लो। Every night, हर रात, प्रत्येक रात को, आई शैल गिव यू अ डॉलर, कि मैं आपको, गिव मीन्स दिया करूंगा, अ डॉलर $1, फ्रॉम व्हाट, उस कमाई में से, आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं जितना भी कमाऊं, और प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको हर रात को $1 दिया करूंगा। ओके, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया, मीन्स उसने अपनी माँ को हर रात $1 दिया। आगे बढ़ते हैं, अ ईयर और टू, एक वर्ष या फिर दो वर्ष के लेटर मीन्स बाद में, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने डिसाइड किया कि वह प्रोड्यूस मीन्स निकालेगा अपना खुद का न्यूज़पेपर मीन्स अखबार। ठीक है, कि एक दो वर्ष के बाद एडिसन ने निर्णय लिया कि ऐसे अखबार हम खरीदते हैं, फिर हम लोगों को बेचते हैं, तो उसमें कम फायदा होता है, इससे अच्छा है कि अपना पेपर हम खुद ही ना छाप लें। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह खरीद लाया एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई वाली मशीन, एंड सेट इट अप, सेटअप मीन्स होता है स्थापित कर लेना, इट मीन्स इसे मीन्स उस मशीन को, इन हिज रेलवे वैगन, अपने गाड़ी के डिब्बे में। ठीक है, जिस गाड़ी के डिब्बे में उसका सामान रखा रहता होगा, तो वहीं पर उसने वो छपाई वाली मशीन भी अपनी स्थापित कर ली, लगा ली। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, उसने एडिटेड मीन्स संपादित किया, एंड प्रिंटेड और छापा, हिज पेपर अपना अखबार, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, उसने सोल्ड मीन्स बेची, नंबर ऑफ मीन्स असंख्य प्रतियां, कॉपी उसने बेची, पेपर असंख्य पेपर उसने बेचे, एंड मेड मोर मनी, और उसने बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। विद द मनी, उस पैसे से, ही सेटअप, उसने स्थापित कर ली अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, अपने गाड़ी के डिब्बे में ही। ठीक है, तो अखबार बेच करके, मिठाइयां बेच करके, फल बेच करके एडिसन ने इतनी मेहनत की कि पहले उसने प्रिंटिंग प्रेस खरीदी, अपना पेपर निकाला, फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने अपने उसी रेलवे गाड़ी के डिब्बे में उसने क्या किया कि एक छोटी सी प्रयोगशाला भी अपनी बना ली। ओके, देन ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का था, यानी कि जब उसने नौकरी की, तो पीछे बताया गया था 12 वर्ष उसकी उम्र थी, 3 साल उसने मेहनत करके एक प्रिंटिंग प्रेस भी खरीद ली और अपनी प्रयोगशाला भी उसने बना ली, लेकिन
जब वो 15 वर्ष का हुआ, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तब एक दुर्घटना हो गई दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके कैरियर को प्रभावित किया। ठीक है, जो काम वो कर रहा था, जिस प्रकार से वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा था, उन्नति कर रहा था, तो उसके कैरियर पर उस दुर्घटना का प्रभाव पड़ा। व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह डूइंग मीन्स कर रहा था एक प्रयोग अपनी लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, उस समय क्या हुआ कि जो ट्रेन थी चल रही होगी, वो वहां पर ट्रेन की लाइन हो सकता है थोड़ी सी मुड़ी हुई हो, तो ट्रेन एक कोने से मुड़ी, मतलब उसने राउंड करके ट्रेन घूमी, और घूमने से क्या हुआ, देयर वाज अ सडन जॉल्ट, वहां पर एक अचानक, जॉल्ट मीन्स झटका लगा, एंड बिट ऑफ फास्फोरस, और बिट मीन्स थोड़ा सा टुकड़ा, फास्फोरस केमिकल होता है, मीन्स एक साल्ट होता है जो कि ज्वलनशील होता है, फेल ऑन द फ्लोर, और जो चुंगो फास्फोरस से कोई प्रयोग कर रहा होगा तो थोड़ा सा फास्फोरस का टुकड़ा फेल मीन्स गिर गया ऑन द फ्लोर ऑफ द कैरिज, गाड़ी के डिब्बे, कैरिज मीन्स भी गाड़ी का डिब्बा होता है, उसके फर्श पर, एंड इट कॉट फायर, और इसने कॉट मीन्स पकड़ ली, फायर मीन्स आग। ओके, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जिससे पहले कि वह इसे पुट आउट मीन्स बुझा पाता, द न्यूज पेपर्स हैड कॉट फायर, अखबारों ने भी आग पकड़ ली। ठीक है, मीन्स गाड़ी के डिब्बे में आग लग गई और उसने बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन बुझाने से पहले और दुर्घटना ये हो गई कि जो अखबार थे, जो कागज थे, उनमें भी आग लग गई, कागजों ने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग स्प्रेड मीन्स फैलती गई, और एडिसन ने चिल्लाया, एडिसन चिल्लाया फॉर हेल्प, सहायता के लिए उसने हेल्प मांगी, कोई हेल्प करो। आगे देखते हैं, द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आ गया, एंड टुगेदर और साथ साथ दे वर एबल, बे समर्थ हुए, टू पुट आउट द फायर, पुट आउट मीन्स बुझाने के लिए, द फायर मीन्स आग। ठीक है, कि गार्ड अंदर आ गया और गार्ड और एडिसन दोनों ने मिलकर के आग को बुझाया, बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही वॉज द एंड, अंत था, ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का, नौकरी का, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में। ठीक है, मतलब रेलवे में जो नौकरी कर रहा था वो, तो उस दुर्घटना से जो रेलवे डिपार्टमेंट था उसने सोचा कि दुर्घटना आगे भी हो सकती है, इसलिए एडिसन को अब यहाँ पर नौकरी करना ठीक नहीं है, उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसे डिसमिस मीन्स नौकरी से निकालना, अगले ही स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्ष, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने क्या किया, टुक अप मीन्स वही ले लेना, कर लेना, जॉब्स मीन्स नौकरियां, इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में, मतलब जब वो कुछ दिन तक, अगले 5 वर्ष तक, यानी कि 15 वर्ष की उम्र में दुर्घटना उसकी हुई, और आगे 5 वर्ष यानी कि 15 से 20 साल का जब वो रहा होगा, उस समय उन 5 वर्षों में एडिसन ने क्या किया, अलग अलग शहरों में उसने नौकरियां की। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, उसने बहुत अच्छा यूज किया किसका, लाइब्रेरीज, जो पुस्तकालय होते हैं वहां जाकर के उसने खूब पढ़ाई की, अच्छी अच्छी नई नई किताबें उसने पढ़ी, एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और वहां मिला भी जो एक्सपर्ट लोग थे, बिल्कुल निपुण थे, बहुत ही योग्य लोग थे, कुशलता थी जिनके अंदर, ऐसे लोगों से कहा, फैक्ट्रीज के और वर्कशॉप, जो वर्कशॉप होती है, फैक्ट्रीज होती है, उसमें जो इंजीनियर टाइप के जो होते, होशियार लोग होते हैं, उनसे वो मिला भी। ही आस्क देम क्वेश्चंस, उसने उन लोगों से, जिन जिन लोगों से मिला, उनसे उसने प्रश्न पूछे,
लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लर्न मीन्स सीखा, बहुत ज्यादा उनसे सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और उसने बड़ी कठोर मेहनत की अपने प्रयोगों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी काल के दौरान, पीरियड में समय, कि जिस समय वो अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहा था, उन 5 सालों के दौरान क्या हुआ? ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, वह आउट ऑफ जॉब मीन्स उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, नौकरी से बाहर था। मीन्स एक समय ऐसा था कि जब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वह स्टेइंग मीन्स ठहरा हुआ था, रुका हुआ था अपने एक फ्रेंड के पास। ठीक है, तो एक समय ऐसा भी आया कि जब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, तो अपने किसी फ्रेंड के पास वो कुछ दिन रुकने के लिए चला गया होगा। दिस यंग मैन, यह युवा यानी उसका ये दोस्त जो था, वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वहां एक कंपनी में काम करता था। मतलब जहां अपने दोस्त के यहाँ वो रहने गया, तो उसका दोस्त एक कंपनी में काम करता होगा। इन दैट कंपनी, और उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। ठीक है, वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड, मशीन रुक गई। सडनली मीन्स अचानक, अचानक वो मशीन रुक गई, खराब हो गई होगी। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन भी वहां था उस समय। ठीक है, हो सकता है एडिसन ने अपने फ्रेंड से कहा हो कि चलो ठीक है, हम भी आपके साथ में चलते हैं आपकी कंपनी में। तो बाय चांस की बात है कि एडिसन के जब वहां था, उसी समय वो मशीन खराब हुई। ही हैड अ लुक एट द मशीन, एडिसन ने क्या किया, हैड अ लुक मीन्स मतलब एक नजर डाली, देखा उसने मशीन को। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और उसने रिपेयर्ड मीन्स मरम्मत कर दी इट, उस मशीन की, विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में। ठीक है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, अब चूंकि उसने बहुत कम समय में मशीन को सही कर दिया, तो जो उस कंपनी का मैनेजर था, उसे एडिसन बहुत पसंद आया कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उस कंपनी के मैनेजर ने क्या किया, एडिसन को एक अच्छी नौकरी दे दी। ठीक है, एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, एडिसन ने क्या किया, पेड ऑफ मीन्स चुकाए हिज डेट्स, अपने कर्ज। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और सुधार किया अपनी प्रयोगशाला का, यानी कि ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका थर्ड वीडियो मैं बाद में लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ें। जय हिंद।